गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ जयंती जोशी फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानगुत्ता। सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट ग्रामर। टुडेज आवर टॉपिक सेंटेंस। देखिए, इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ओके, एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये सब बताए थे। आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं सेंटेंस में, तो हम आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है ये सेंटेंस। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। क्या कह रहे हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप। सेंटेंस क्या है, ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या होता है वाक्य, एक समूह होता है इसका, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही शब्द नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे शब्द होंगे, उन शब्दों का एक समूह होता है हमारा ग्रुप। किसका, जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो शब्दों का समूह होता है, विच एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, जो कि क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस बताता है, एक कंप्लीट अर्थ, पूरा अर्थ बताता है। एग्जाम्पल, वी लव अवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो देखिए क्या है, कंप्लीट सेंस है पूरे वर्ल्ड का। इसमें देखिए सब अलग अलग वर्ड है, वी है, अवर है, कंट्री है, लव है, लेकिन ये क्या है, एक पूरा ग्रुप है। वी लव अवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं, क्या है, एक सेंटेंस है। गॉड इज ग्रेट, गॉड महान है। ठीक है, भगवान महान है, तो ये क्या है, एक वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या है, कंप्लीट सेंस है। ठीक है, एक पूरा सही अर्थ निकल रहा है। नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपके देखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ देखिए सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि क्या कह रहे हैं, द पार्ट, ऐसा पार्ट, ठीक है, सेंटेंस का वह पार्ट, वह भाग जो क्या करता है, हमें उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और देखिए, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, हमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ऐसे हम और मोर एग्जाम्पल कर लेंगे। देखिए, जैसे आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, आपका एक सेंटेंस है, ओके, हरि गोल्स टू आगरा। देखिए, ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। तो देखिए, सब्जेक्ट हमने क्या कहा, जिस कभी कोई भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कहा जाए, ठीक है, किसी के बारे में हरि के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें हरि क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट हो गया, एंड गोज टू आगरा, आगरा जाता है, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ऐसे एक सेंटेंस और देखेंगे, इंडिया इज अवर कंट्री। अब देखिए, इंडिया के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमारा इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, और इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज अवर कंट्री, हमारा देश, ठीक है, ये क्या है, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एग्जाम में छांटने के लिए आते हैं, तो आप छांटेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं सेंटेंस हैं, और सेंटेंस में क्या है, पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट जो व्यक्ति और वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो यह है आपके लिए पार्ट ऑफ क्या, सेंटेंस। इसके आगे हम आपको बताएंगे फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज,